मुझे उसका। किसी, हम लोगों, सुनो, हम लोगों को किसी का नाम नहीं चाहिए। जी कभी कभी मोहित क्या होता है पता है, आपसी दुश्मनी के अंदर है ना बहुत सारे लोग फायदा उठा लेते हैं, बात को समझ रहा है। तो हो सकता है कि भाई किसी ने मोहित चुदान के साथ दुश्मनी निकालने के लिए तुझे फर्जी रिपोर्ट भेजी हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, राइट? तो मतलब बिल्कुल हो कि सकता है। चल, मैं मानता हूं कि तू गुस्सा है उन लोगों से, मैं मानता हूं तेरी गर्लफ्रेंड के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जी देख इंसानियत के नाते जी कल तू सुबह वो लेबोरेटरी में जाना और लाइव पे आना, ठीक ठीक है? 12 बजे सबका मतलब तू दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भाई। तू वहां ठीक लेबोरेटरी में जाएगा, लाइव पे आएगा, सब लोगों को दिखाएगा ये चीज, ठीक है? तो सब लोगों को फिर तो यकीन हो जाएगा ना कि भाई रिपोर्ट फर्जी है या असली है, ठीक ठीक है है। भाई अभी मैं बाबा, तुमसे ये ठीक है ना ये पूछना चाह बात? रहा मोहित चौधरी जी भैया कि चलो इनको तो मोहित मदान को HIV हो गया, तो अभी तुम्हारा जी, मेन टारगेट कौन है? मेरा मेन टारगेट कपिल पुरी। कपिल पुरी। अभी उनसे मेरी बात हो गई है, अभी उनसे भी मेरी बात हो गई है, मैंने डीएम उनसे में, बोल फ्री दिया। कॉल हाँ में। मैंने, हाँ अभी मेरी उनसे वैसे बात हुई थी, कल मेरी बात हुई थी। मैंने उनसे बोला था, देखिए मेरी बात, मैंने आपकी इज्जत करी, मान सम्मान किया भैया, बोला मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, आपने मोहित मदान के साथ आके आपने सारी अपनी इज्जत खराब कर ली। ठीक, मैंने आपको कभी गलत नहीं बोला था, मैं आपको मोहित मदान से पहले से जानता हूँ, जब मैं छोटा सा था, मैं जब से जानता हूँ, और जो छोटे कोरोना से टाइम में, जानते हो क्या? छोटे से हाँ जानते हो? हाँ मतलब 3-4 साल पहले। यार भैया अच्छा मेरी एज ही कितनी है, मैं 26-27 साल का लड़का कुल हूँ। अच्छा तो मतलब तुम ठीक है, कपिल पुरी को 3-4 साल पहले से जानते हो? जब कोरोना आया था ना पहले वाला, मैं जब हाँ से जानता हाँ हूँ। अच्छा इतनी मदद करी थी, इतनी मदद करी थी इन्होंने कोरोना टाइम में, ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री में दिया था, ये किया था, मैं इनके साथ लगता था, मैं खुद दिल्ली जाता था गुरुद्वारे, ये जानते भी हैं, अमन जी हैं, सरदार जी हैं वो, उनके गुरुद्वारे से जाके मैं खुद लेके आता था गाजियाबाद में, आप किसी से भी पूछ लेना, मैंने हर हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट लाके दिया था ऑक्सीजन सिलेंडर। उस टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर की बड़ी ब्लैकमेल चल रही थी, 40-40, 50-50 हज़ार रुपए में सिलेंडर मिल रहा था, तो मैंने उनकी इज्जत करी। मैंने रेखा, रेखा आपने उस दिन देखा भी होगा, मैंने रेखा भाभी को भी ये बोला कि भाभी आप मत बोलो, ये लड़ाई है, कल को शांत हो जाएगी, मैं अपने मुंह से गंदी आवाज नहीं करना चाहता। उन्होंने भी नहीं माना। अभी भी ये बात मैंने, तो मैं है, आपको बता देता, ये बात मैं तो आपको अभी भी ये गोंडे मानता, ने बहुत बार बोली थी लाइफ पे कि रेखा भाभी मैं मैं आपको आपके बोल लिए देता कुछ हूँ कि बोलना नहीं चाहता हूँ, आप कपिल पूछ पुरी में ने, मत। हाँ कपिल पुरी ने बोला कि तूने मेरी वाइफ को गंदा बोला, मैंने बोला भैया वो लेडी ऐसी है कि मैं उसकी इज्जत बहुत करता हूँ और करता रहूंगा, चाहे मेरी आपसे रंजिश कैसी भी हो, पर बाबा इन लोगों ने आज बहुत गंदा काम किया, मेरे घर के बाहर अरे 5 हज़ार रुपए दे के तुमने लड़के जो भेजे। अरे, ये क्या तो कहते हैं, मोहित मोहित भाई ने अभी कमेंट किया है, मदद करो इनकी, मदद करो इनकी, पॉसिबल मदद करो यार। मैंने मदद की थी, मैंने मदद की थी, खूब मदद अरे की थी क्या मैंने। बाबा, मदद करो, पहले रिपोर्ट फर्जी है या असली है वो तो जानने दो भाई। अरे नहीं, मोहित मदान उसकी कपिल पुरी की फर्जी है, ठीक है, मोहित मदान की रियल है। अरे नहीं, अभी नहीं, अभी करो इंतजार भाई, अभी इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी भाई बाबा जिन लोगों को हेल्प करनी है, जो लोग करनाल से है, वो सब लोग फूल फूल और फ्रूट, ड्राई चलो फ्रूट्स, ये इंसानियत सारी के, चीजें लेके मोहित मदान के घर पे जा सकते हैं। तो मोहित मदान, आप अपना एड्रेस नीचे भेजो, जिसको हम मतलब यहाँ पिन करेंगे, तो तुम्हारे जो एरिया के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो आपके उधर सुबह सुबह में दूध, अपना फ्रूट्स है, ऑरेंज जूस है, राइट, मतलब के होल व्हीट ब्रेड है, मतलब के वो पीनट बटर है, वो सारी चीजें लेके आएंगे तुम्हारे घर पे, फिकर मत कर, जो सब आएंगे। बट अभी जो ग्रीन पील्स है वो तुम्हारे अकाउंट में तब आएंगे जब ये रिपोर्ट 100% सच होगी कि हाँ मोहित मदान एड्स का पीड़ित व्यक्ति है, मैं ठीक आपको है? एक चीज उसके बाद और हम बता लोग, देता हूँ, हाँ उसके बाद हम लोग आपका पिन करेंगे के पेटीएम का जो HIV पेशेंट को, बट अभी नहीं। हाँ बोलो, तू बोलो मोहित, क्या बोल रहे थे तुम? मैं ये बोल रहा था, यदि ये रिपोर्ट ओरिजिनल आती है, सब कुछ होता है, तो मैं अपनी तरफ से 21 हज़ार रुपये आपकी ब्रॉड में इनको पेटीएम करूंगा, हाँ, मैं और इंसानियत बाबा दोनों मिलके उनको के बीस नाते हजार देंगे मैं 21 हज़ार रुपये खुद करूंगा,
ये मेरा वादा है आपसे, यदि ऐसा होता है और आगे भी भगवान ना करे देखो कोई ऐसी मुसीबत पड़ती है, तो मैं इनके और इनकी फैमिली के साथ मैं हूँ, इंसानियत के नाते। आपको क्या लगता है पनोरी भाई कि ये सब मैटर होने के बाद क्या कपिल पुरी शांत रहेंगे कि वो भी खुल के सामने आएंगे? नहीं, आपको क्या कपिल लगता है? पुरी भाई, कपिल पुरी भैया टूट चुके होंगे। उसका रीजन मैं बताता हूँ कि देखो, अब मुझे बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में क्लियर हो रही है कि देखो, कपिल भाई साहब ने आज तक अपना मुंह नहीं खोला कि वाई ही पेइंग मनी एवरी मंथ टू चुदान, राइट? वो बंदे ने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला। शायद उस बंदे को पहले से ही पता होगा कि भाई इसको प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो दैट्स वाई वो बंदा इसकी हेल्प कर रहा था, ठीक है? तो अब शायद कपिल पुरी को पता चल गया है कि एवरीबडी नोज दैट अबाउट द मोहित चुदान, राइट? तो शायद वो बंदा मतलब अंदर से टूट गया होगा कि यार अब और मोहित मैं तुम्हें क्या चीज बहुत ही लगता है? स्ट्रांगली बिलीव। मुझे ऐसा लगता है बाबा, मुझे सबसे पहले तो ये आवाज कट रही है, मेरे नेट में प्रॉब्लम है या पनौडी जी के नेट में हाँ, आप प्रॉब्लम है सही मुझे है, नहीं आप सही है, पता। आप सही है, आप सही है। मुझे ये लगता है बाबा कि सबसे पहले कपिलपुरी जी को अपनी और अपनी फैमिली का पूरा टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि एचआईवी हाथ लगाने से भी हो जाता है। और मोहित मदान जी हर महीने महीने अपनी सैलरी लेने जाते थे वहां पे कपिलपुरी जी के पास होटल में, 144 रूम में, 441 में। तो प्लीज सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कपिल भैया, लड़ाई झगड़ा छोड़ के भाभी और आप सब पूरी फैमिली एक बार आप भी टेस्ट करा लीजिए, कभी ऐसा ना हाँ, हो, ये बात तो है, भगवान ये ना करे बात ऐसा। तो है। और जितने भी इंस्टाग्रामर हैं जो इन लोग मोहित मदान जी से मिले हैं, तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है, किसी पे पैसा भी ना हो तो बता देना, उनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। पर प्लीज दोस्तों ये चेक नहीं, जरूर करा इंडिया में लेना। एचआईवी का टेस्ट फ्री में होता है, सिविल हॉस्पिटल में फ्री में होता है। बाबा मैं एक इंसानियत मैंने खुद के नाते करवाया, आप बोल नहीं, मैंने खुद करवाया था। जीबी रोड पे जाके मैं वापिस आया था, जीबी रोड से सीधा मैं सिविल हॉस्पिटल ही गया था, मैं चेक कराने के लिए। रहा हूँ। तो सिविल हॉस्पिटल में फ्री है भाई, मुझे पता है। तो अभी तुम करने देख, क्या वाले हो मोहित चौधरी? तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कल मेरा का? नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, पहले ये रिपोर्ट देखी जाएगी ये सही है नहीं। यदि हाँ बाबा हाँ ऐसा हाँ होता हाँ है, हाँ हाँ यदि ऐसा हाँ होता है, पहले मेरे अंदर लड़ाई झगड़े को सोच हट के साइड करके मेरे अंदर पहले एक इंसानियत है। अच्छा, मतलब अब तुम सही मानवता की बात, तरफ झुक रहे हो, मानवता बिल्कुल। देख रहे हो। मैं पहले भी झुका था, मैं अभी भी झुकूंगा। और दूसरी बात, यदि ये क्लियर हो जाता है तो मैं हाथों हाथ वहीं से ही मोहित मदान की पेटीएम पे वहीं से ही ऑन द स्पॉट लाइव से लाइव दिखा के मैं 21,000 रुपये डोनेट करूंगा एक एचआईवी पेशेंट के लिए, नॉट मोहित मदान के लिए पर्सनली नहीं, एक एचआईवी पेशेंट के लिए। और मैं दुआ करूंगा, मैं अपनी खुद की भी लाइव चलाऊंगा, मैं कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, कैसे भी करूं, मैं इनका ट्रीटमेंट के लिए मैं दुआ करूंगा कि मैं जितनी मेरे से मदद हो सकती है, हे प्रभु हे भोलेनाथ, मैं इनकी मदद करूं। बहुत ही अच्छी बात कही तुमने मोहित चौधरी। पनोड़ी भाई मुझे तो लगता है कि 21,000 रुपए के लिए मोहित भाई को अगर नहीं भी होगा एड्स तो वो लोग स्वीकार कर लेंगे कि हाँ भाई मुझे है 21,000 दो स्वीकार तुम। कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे तो सुबह 10 बजे इनके 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 पेट अभी स्वीकार कर लेंगे, सुबह 10 बजे इनके फोन पे में पेटीएम नंबर में मैं 21,000 रुपए करता हूँ, ये मेरा वादा है। मैं आपकी ब्रॉड पे बैठा हूँ और मैं झूठा इंसान 1% भी नहीं हूँ। नीचे से अभी लिखवा दीजिए, हाँ मुझे एड्स है, एचआईवी है। यार देखो, ऐसे इमोशनल मत बनो मोहित, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन देखो मतलब देखो, जनता जनार्दन होती है यहाँ पे। जनता को रिपोर्ट तुमने दिखाई, लेकिन वो रिपोर्ट सही है या फर्जी है वो प्रूव करने के लिए तुम्हें कल पक्का मेडिकल, और सॉरी वहां क्या बोलते हो उसको, टेस्ट वेस्ट की रिपोर्ट को वो करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये रियल है या नहीं तो फेक है। अगर फेक भी होगी तो बता देना कि भाई फेक है, हमने निकाली थी जो डिटेल आई थी वो गलत निकली हमारे पास। हाँ हाँ भाई, ये मोहित मदान पागल हो गया क्या, हर कमेंट में यही लिख रहा मैं बीमार हूं, प्लीज
मेरी मदद करो। तो अगर रिपोर्ट फेक हो तो फिर तुम प्लीज बता देना कि हाँ भाई रिपोर्ट फेक थी, तो कुछ प्रॉब्लम हाँ नहीं है। फिर जैसे तुम्हारा युद्ध चल रहा है ऐसे ही तुम्हारी मतलब तुम्हारी कंट्रोवर्सी चलेगी। बट अभी कंट्रोवर्सी के अंदर बहुत बड़ा इमोशनल वाला मतलब कि एक टर्न आ चुका है, जिसमें मतलब ये सारी चीजें आ गई है, HIV एंड वो सारी चीजें। यार देखो मैं एक चीज बताता हूँ कि जिसपे हाँ गुजरती है ना बाबा हाँ उसको पता चलता है। मैं तो कहता हूँ माँ की चूत कैंसर हो जाए मुझको, पर HIV ना हो। क्योंकि यार देखो जैसे घड़ी की घड़ी का जो वो जो घड़ी के जो कांटे होते हैं भाई, जैसे जैसे घूमते रहते हैं ना, वैसे वैसे बंदा पागल हो जाता है कि मौत मेरे करीब आ रही है। सोचो। मेरे को पर एक चीज समझ में नहीं आ रही है कपिल पुरी की, हाँ पनौड़ी भाई, कि हाँ कभी वो एकदम से लाइव चालू करते हैं और अग्रेशन दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, गाली गलौज करते हैं, किसी दिन वो शांत हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते और लाइव छोड़ के चले जाते हैं, बंद कर देते हैं, आते नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है ये दोनों में से, तो मैं मतलब बाबा यहाँ पे तुमको रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा चपिलपुरी, बट चपिलपुरी आपने एक स्टेटमेंट दिया था एक लाइव चला के कि अगर इन 5 दिनों में मलाइका ने एक भी लाइव चला के मेरा नाम दिया तो मैं कुत्ते का मूत पीऊंगा। ये चीज चपिलपुरी भाई साहब आपने बोली थी। मलाइका तो अभी तुमको 2 दिन पहले ही गाली दे रही थी लाइव चालू करके, सबको पता है ये बात। बाबा ये चीज हुई थी कि नहीं हुई थी? चलो मुझे तो ब्लॉक करके रखा हुआ है, मैंने तो यूट्यूब पे जाके देखी थी लाइव। बाबा बोला था कि नहीं बोला था? हुई थी ठीक है तो 5 दिन क्या, उसने तो तीसरे ही दिन लाइव चला के तुमको गाली दी भाई। ठीक है लेकिन नीचे भी लोग लिख रहे हैं देखो भाई कि हाँ सच बात है ये, राइट। तो अब मतलब के किस तरफ ये कंट्रोवर्सी जा रही है मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। अब ना सोचा था वो हो गया, HIV की बातें बीच में आ गई तो कंट्रोवर्सी में एक ठहराव आ गया है, एक पड़ाव आ गया है। वो पड़ाव कल ही हटेगा जब मोहित चौधरी जाएगा लेबोरेटरी में और वहां पे जाके सच्चाइयों को ये कलेक्ट करेगा। तो भाई कल तुम कितने बजे लाइव आओगे इंडिया की, टाइम भी बता दो हमारे व्यूअर्स को। मैं 12 बजे लाइव आऊंगा बाबा, 12 से 1 के बीच में। हाँ मतलब तुम लेबोरेटरी से ही लाइव आओगे, राइट? मैं लेबोरेटरी से ही लाइव आऊंगा। भाई देखो मैं तो ये दुआ करता हूँ कि रिपोर्ट फर्जी हो, ये कंट्रोवर्सी के मतलब ये कंट्रोवर्सी के चक्कर में यार मैं नहीं चाहता हूँ किसी को कुछ हो जाए या कुछ हो, बट यार अब क्या करे। अब बैनचोद वो बोलते हैं ना, शौक भी बहुत बड़ी चीज होती है नहीं, अभी यार। तो हम मौत ऊपर वाले से दुआ करेंगे, सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे। मतलब हाँ मैं तो देख रहा हूं ये कंट्रोवर्सी पहली बार ऐसी हो रही है कि सब कोई मेडिकल पेशेंट है पनोड़ी भाई। अभी ये मोहित चौधरी भी 2 दिन पहले हॉस्पिटल से आए, ठीक है, हाँ और राइट। मोहित मगान भी अभी हॉस्पिटल हॉस्पिटल वाला सीन चल रहा है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि ये सब बीमार लोगों की कंट्रोवर्सी हो रही है पहली बार इंस्टाग्राम में। बाबा मैं तो बीमार ऐसे हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को फूड पॉइजनिंग हुआ था और गलती से मुझसे ही हुआ था। मैंने मटन और चिकन खा के मैंने दूध पिया था। मेरे हाँ। पास भी प्रूफ है, जो ये बोल रहे हैं ना कि मैं 300 मैम ये हूँ हार्ट पेशेंट हूँ सब है, मैं सब प्रूफ मेरे पास है। और बाबा अब ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं मुझे, अब एक चीज ये जवाब दे दीजिए, मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, ये कॉन्ट्रोवर्सी करना चाह रहे थे मुझसे, जब तो मैंने इनके हाथ जोड़े थे, मैंने इनसे दुआ, मैंने इनके हाथ जोड़े थे, आपको याद हो, कि उस लड़की की मजाक मत बनाओ, उस लड़की की वीडियो मत करो, मैं इनसे हाथ जोड़ता था। अब तो मैं खुल गया, अब तो मैं बात मत तो छोड़ है, बात दूंगा। में पॉइंट है। अरे अब मैं खुल गया ना, इनके पास कुछ नहीं बचा बाबा, अब मैं खुला हूं,
इसने टट्टे ने कुछ एक टट्टा है जिसको मैं नाम नहीं लूंगा, उसने बाबा आज विश्वास नहीं करोगे मैंने भरी लाइव में दिखाया, पनौडी जी नीचे आए थे, इसने 5,000 रुपए देके, वो थाने में बंद है अभी, वो नशे में अभी नशा उतर जाने के बाद पूरी उनकी मैं उनकी पूरी प्रूफ लूंगा, 5,000 रुपए देके और फॉर्चुनर गाड़ी देके तूने मेरे घर के बाहर मुझे बाउंसर भेजे मरने मरवाने के लिए, भोसड़ी के जाके उनका पता ले ले क्या हाल है उनका, सबके सिर फटे पड़े हैं। क्या बात कर रहा है, आज ऐसा हुआ था? अरे मैंने लाइव भरी लाइव में दिखाया, भरी लाइव में, मेरे जाने से पहले, मेरे घर जाने से पहले उनकी माँ चुट चुकी थी, और अभी लाइव में दिखा सकता हूँ मैं, मेरे घर से 7-8 किलोमीटर दूर थाना है, थाने में अलाउ तो नहीं है फोन, पर मैं दिखा दूंगा एप्लीकेशन किस नाम से दी गई है, मुकदमा मतलब क्या चपिलपुरी ने तुम्हारे तुम्हारे पर हमला करवाया? हाँ, मेरे घर पे भेजा, मेरे घर पे, मेरे चाचा के बेटे के नीचे, जो मेरे चाचा का बेटा था ना कल जो थार गाड़ी में था, उसने गलती से अपना नंबर दे दिया था लाइव में, इतने मादरचोद उस नंबर की उन्होंने लोकेशन निकाल ली। ओ माय गॉड, चपिलपुरी ने गुंडे भेजे थे। और अब ये हार मान रहे हैं, अबे अब करो ना उस लड़की को बदनाम, कर वो बहन चोर लड़की को बदनाम, कर तुम लड़कियों को बदनाम, इतना ही कर सकते हो। दिखाऊं आपको, आपको एक प्रूफ दिखाऊं, इसकी इसकी वाइफ कैसे हंस हंस के बात कर रही थी जिस लड़के ने लाइव दिखाई थी, लो मैं प्रूफ दिखाता हूं अभी, देखो कैसे हंस हंस के बात कर रही है इसकी वाइफ, दिखाता हूं मैं अभी आपको, इस मोहित मदान की वाइफ। बाबा मैं बोलना नहीं चाहता था, आपने मुझे रोका था कि मेरी मेरी हमारी ब्रॉड पे इसके इसके बात नहीं होनी चाहिए, ये देखिए अभी ये नॉर्मल टॉपिक के लिए हुई थी, मैं तो ऐसे लाइव चलाया था, फिर पनौड़ी भाई को लिया, फिर देखिए 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 अभी दिखाता हूँ मैं इसकी वाइफ की हरकतें, देखिए क्या इसकी वाइफ है ना, ये इसकी वाइफ है ना, ये वही लड़का है ना जिसने वायरल की थी, इसकी माँ चुतती हो तो रोती है, बस कुछ बहुत गंदा है, मैं दिखा नहीं सकता उससे ज्यादा, विश्वास करो आप, ये इसकी वाइफ के वर्ड है, जो इतना बोल रहा था मेरी वाइफ ने कुछ बोल दिया तो ये कर देना वो कर देना, अब माँ चुटवाने चली गई तेरी वाइफ वहां भोसड़ी के रंडी, तेरी माँ का भोसड़ा तेरे घर में माँ बहन बेटी की कसम खाता है ना तो इज्जत करनी से, एक नारी का सम्मान करेगा तो मादरचोद ठीक होगा, नहीं तो एड्स में मर जाएगा तेरी माँ की चूत बड़वे मोहित मदान। अभी तो यार तुम 21,000 भेज रहे थे, गाली देने लगे बाबा मुझे मुझे इतना गुस्सा है इन लोगों पे, भाई तुम्हें मेरे से लड़ाई थी, तुम्हें मुझसे लड़ना था ना यार, तुम मुझे मारो, मैं कहता हूँ तुम मुझे मारो, मुझे नंगे की वीडियो डालो, मुझे कुछ भी करो, तुम हंस मत नीचे से, हंस मत, भगवान ने तुझे HIV नहीं, भगवान तो तुझे ऐसी मौत मारेगा कि तेरे पता नहीं क्या होगा, ये मेरी दुआ है, मैं भोले बाबा का और खाटू श्याम बाबा का सच्चा भक्त हूँ, और यकीन नहीं आता ना मैं दो, हाँ खाटू श्याम बाबा जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, और बाबा मैं भोले बाबा का भक्त हूँ, मैं हर हर साल 31 किलो जल लेके आता हूँ नंगे पैर, और मतलब कावड़ लेके आता हूँ पैदल कावड़, मेरे पास प्रूफ भी है, आप देख सकते हैं, मैं दिखा भी सकता हूँ, मैंने देखा था वीडियो, देखा था, और मेरा मैं 4 साल का था जब से मैं कावड़ लेके आ रहा हूँ, और ये देख लेना बाबा मैं कॉलेज से प्रेसिडेंट रहा हूँ MMH कॉलेज से, और मैंने 8 साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया है, ये देखो नीचे से आ भी रहा है बाबा, मोहित ABBP में रह चुका है, और मैं बाबा छात्र संघ अध्यक्ष था, और मैं पहला एक ऐसा अध्यक्ष रहा हूँ, मैं बिल्कुल डायरेक्ट बोलता हूँ, मेरे अंदर कोई झूठ नहीं है, कि मेरे को मिली थी बाबा 6200 वोट, मतलब 6200 वोट, और जो मुझसे दूसरा कैंडिडेट था उसे मिली थी 131 वोट, और एक मेरी 6200 वोटों में मेरी 160 वोट पे लिख रहा था आई लव यू मोहित, वो कैंसिल हो गई थी, मैंने बाबा कभी आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने इसकी इसकी वाइफ को भी बोला कि मैं भाभी माँ मानता हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे 31 दिसंबर को इसके मेरे पास फोन आया कि तेरी भाभी गिफ्ट मांग रही है, पता क्या दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, पता कहां से दूं, तो मैंने इसको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं अभी दिखा दूंगा खोल के, मैंने 3100 रुपए लाचे के दिए थे, लाचा पांचा क्या होता है वो दिखाऊं आपको, दिखाऊं स्क्रीनशॉट बाबा, अरे बहन चोर किया, और एक और सच्चाई बता दूं आपको, आज लाइव में खुल के जब मेरी जुबान खुली, पनौड़ी भाई कि इस नवरात्रि में क्या आप भी मुझे लहंगा देंगे?
बाबा भाई मैं देख, आज आप खुलासे हो ही रहे हैं तो मैं खुलासा और कर दूं। देखो मैं जिस देखो बाबा, जमानत पे बाहर देखो बाबा, आऊंगा। हाँ भाई, देखिए बाबा, ये देखिए मैं अभी आपको खुलासा भी कर देता हूं, ये देखिए। इसने खुलासे बहुत किए 2-4 दिन में। सही में ये अभी मैं पता नहीं दिखाता हूं कहाँ बाबा, पर। अभी अभी आपने नंबर पिन किया था उसमें 444 था, जब नंबर सामने आ ही गया था ना, हाँ, 444-5। अरे वो तो सब अभी लाइव में डालते हैं अपना नंबर, उनका क्या नंबर वायरल। देखिए नंबर वायरल अभी करोगे तो उन्हीं को तो वो और मजे ले लेंगे उल्टा। दिखाता हूँ बाबा, 31 तारीख का ही दिखाऊंगा बाबा, सीधा डायरेक्ट ले जाके आपको। और कपिल पुरी ये बता देना उनसे, जिनको तुम पापा बनाए हुए हो ना, कि भोसड़ी के वो 1 लाख रुपए का स्टेटस डाल रहा था ना, मैं उसे उससे बोल देना कि हैसियत में भी आएगा तो उसके आने वाली 4 पीढ़ी खरीद दूंगा। राजनगर एक्सटेंशन में 60 60 बीघा जमीन आती है मुझ पे, 60 बीघा, ठीक है ना, और 60 बीघा मतलब 450 करोड़, और विद प्रूफ दिखा सकता हूं मैं लाइव में। आजा भाई 31 जनवरी, अरे कहाँ रह गई 31 जनवरी। मोहित कुमार 3100 रुपये लाचे के, यही नंबर था ना, यही नंबर था ना जिसको मैं भाभी माँ बोलता था, मैंने उसको गिफ्ट किया था। मेरी इंसानियत देखिए आप, अभी दिखाता हूँ इसकी औकात, ये देखिए मोहित कुमार 4999, ठीक, मोहित कुमार 4999, तभी तुरंत, मैं नशे में था, ये मेरे से दमादम करवा रहा था। भाई इतने में तो तुम दीपक कलाल के साथ बैठते। भैया बाबा मुझे फ्रेम नहीं चाहिए, मैं कसम खा रहा हूं बाबा, मुझे फ्रेम नहीं चाहिए, कर सेम सेम दूंगा मोहित मदान तुझे, कर दूंगा तुझे पैसे, मैं तेरे को इतने कर दूंगा कि तेरा बाप तुझे, जो 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 तूने बाप बना रखा वो भी तुझे इतना पैसा नहीं देगा। बाबा इसने क्या किया मेरे साथ, जैसे वो पात्रा बोलता था ना, पे पेटीएम करो पेटीएम करो, मेरे को फोन करता था, अरे तू पात्रा को फोन कर दे, पात्रा पात्रा तेरी स्टोरी लगा देगा पागल, पात्रा तेरे, मैं तुझे ऐड कर लूंगा। मैं बाबा पात्रा को भी कभी 1000 कभी 500, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा, मैं सच्चाई बताता हूँ, कसम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप विश्वास नहीं कर रहे हो कि मैं कैमरा खोल के दिखा दूंगा, मैं अभी कर क्या रहा हूँ, मेरे एक डॉगी की बहुत गंदी हालत है, मैं सारी रात से उसी के साथ हूँ, लाइव भी चल रहा हूँ, उसे दिखा भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, मतलब मैं डॉग, जैसे सूफी भाई डॉग लवर है ना, वो दिखा देते हैं, मैं दिखाता नहीं हूं, मैं भी ऐसा ही डॉग लवर हूं, आवाज भी आ रही होगी आपको डॉगी के भौंकने की। भाव भाव। हाँ हाँ आई। वो एक डॉगी नीचे भी भौंक रहा है, उसकी भी सुन ले जाए थोड़ी सी, भौंक ले भाई तू भी। बहुत गलत किया इन्होंने, एक लड़की के साथ खिलवाड़ करके इनको शर्म नहीं आई कि ये क्या कर रहे हैं। और वो रेखा इतनी समझदार बन रही थी कि मैंने नहीं किया बाबा, बाबा कैसी बात कर रहे हो, ये तो लड़का बहुत झूठा है बाबा, ये वो करता है बाबा, इसने मुझसे पता है क्या किया, वो बॉबी नहीं है, बॉबी बॉबी, इसकी वाइफ ने मुझे फोन कौन करके बताया, हर चीज बताई इसकी वाइफ ने मुझे, उसने बॉबी इसकी वाइफ, सुडारिया? हाँ बॉबी कटारिया नहीं, अरे बॉबी जो एक लाइव में आती है, अरे बॉबी बॉबी शर्मा क्या नाम है उसका? मैं तो तो कोई एक ही बाबा बॉबी को जानता हूँ जो है बॉबी सुडारिया। सुनिए बाबा, तो हुआ क्या मैं आपको बता देता हूँ, इसकी वाइफ ने मुझे फोन किया, इसके लिए बोला, जब बात बात खुली रही है तो पूरी बात खुल जाए प्लीज, रिक्वेस्ट है रोकना मत बाबा, मैं सच्चाई बताऊंगा भोले बाबा की कसम। बोलो इसकी बोलो ना वाइफ रो बताओ। रही थी, इसकी वाइफ रो रही थी मेरे साथ, मैं शाइनी लैक्मी और इसकी वाइफ थी, तीनों हम ग्रुप कॉल चल रही थी, मैं तो भाभी माँ बोलता था, मेरे अनुमान में कुछ ऐसा था ही जय नहीं। बोलेगी जय बोलेगी। लैक्मी तुम कभी झूठ कमेंट मत करती बोल, हो साइनी की, मतलब कभी ऐसा बोलती हो मोहित अब प्रे कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, फिर इसी को रोक देती हो कि अब तुम मत बोलो। तो तुम्हारा जो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम क्लियर नहीं लग रही हो मुझे। या तो तुम लेकिन एक तरफ हो जाओ, एक्चुअली क्या या तो था फिर ना, पूरा खुल के आओ सामने, या तो नहीं फिर नहीं बिल्कुल भी ना बाबा, हो, नहीं मिक्स नहीं पता क्या था, मैंने रिस्पॉन्स तो मत दो। बोला, सुनिए मैंने तो बोला था इसको, मैंने लाइव पे भी बोला था कि छोड़ दो ये सब, खत्म कर दो है ना मैटर, बट अब इसको गुस्सा ज्यादा है तो ये कंट्रोल नहीं कर रहा है, नहीं ये पर ये चीज है। तुमसे बहुत सच्चा प्यार करता है यार, मतलब पहला आशिक देखा है इंस्टाग्राम में ऐसा।
पता नहीं क्या है ये। नहीं, ये सच्चाई है। क्यों पनौड़ी भाई, आप सहमत है कि नहीं है इससे? भाई मैं 100% सहमत हूँ। अगर जिस बंदे को यार देखो, यही सच्चा प्यार होता है बाबा। देखो प्यार की बात नहीं है, मैं एक इंसानियत के साथ हूँ। कल को इसकी इंसानियत के लिए हम तो कभी नहीं करते इतना। नहीं बाबा मैं करता हूँ, मेरे मेरा जो लिए भी नहीं करता इतना। नहीं बाबा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अभी मैं एक बात बता रहा था आपको। लक्ष्मी झूठ मत बोलना भाई, कसम है तुम्हें, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो उसकी। रेखा यार मैं फिर बीच में बोलूंगा, ये फिर वही गंदी हरकत करेंगे, चलो मैं बोलता ही नहीं हूँ। अब बाबा आप लक्ष्मी को नीचे उतार दो, मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई। तुम खुद छोड़ के चली जाओ लक्ष्मी, नहीं तो वो आई थी। ठीक है ठीक है, जय भोले की। अरे भाई इसको थोड़ी ग्लूकोज लगा देना भाई, थोड़ी ग्लूकोज बस। तो बाबा मैं ये बता रहा था आपको, मेरे पास इसकी वाइफ का फोन आता है, मोहित मदान की वाइफ का, ठीक है। तो बाबा ऐसा हुआ, अरे इसको चुप करा यार। तो बाबा ऐसा होता है कि वो मेरे को फोन करती है, मुझे लक्ष्मी को, और वो रो रही थी बहुत ज्यादा। उसने देखा भी होगा कि रेखा जायसवाल ने बहुत सारी वीडियो लगाई थी, तो उसने रोने धोने की वीडियो लगाई। तो हमने पूछा भी कि भाभी माँ क्या हुआ, क्यों ऐसा हो रही हो आप? तो उसने बताया कि तुम्हारे भैया ने बहुत गलत किया, मुझे लाइव से नीचे उतार दिया और बोबी को ऐड कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा फिर बोले कि तू भाई स्वाद नहीं लेती है, मुझे स्वाद चाहिए होते हैं लाइव में, और मैं तू रुक जा, तू आ जाती है तो बैठ जाती है भाई। यार तुमने कुत्ते को भौंकने को बोला भाई, तो वो तो भौंकना चालू कर दिया, बंद भी नहीं हो रहा है साले। नहीं बंद कर दिया बाबा, बंद कर दिया। तो मैंने बोला ना बाबा, तो कि इसने बॉबी को मतलब बैठा दिया और रेखा जायसवाल को उतार दिया। इनकी कोई भी कंट्रोवर्सी हुई फोन पे मुझे नहीं पता था, वो रो रही थी, मैंने उनसे बात करी। और मैं कभी भी किसी लेडी से अकेले में बात नहीं करता, किसी ना किसी को कॉन्फ्रेंस पे लेके वैसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि आजकल की इंस्टाग्राम पे बहुत तगड़ा चोद है, किसी से बात कर लो वो स्क्रीन शॉट लेके तुरंत दिखा देता है कि अच्छा इसने तो मुझसे पर्सनली में ये बात की थी। तो बाबा फिर ऐसा हुआ, मेरे से इसने सब चीज बताई, इसने मुझे बताई कि वो आजकल ये कर रहा है वो कर रहा है। मैंने बोला भाभी माँ आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं चाहता तो इन दोनों की लड़ाई भी करवा सकता था। उसने मुझे बताई कि नहीं अब सब कुछ खत्म हो गया है, मोहित मदान बहुत गंदा है, बताओ मैं इसको अपना पति कैसे मान लूं। मैं आपको विद प्रूफ, वो मैंने आपको दिखाया भी था, आपके शायद याद हो पनौड़ी जी की ब्रॉड पे, कि देखो बाबा ये हमने मैंने तो समझाया भी है कि ऐसा मत करो। तो इसने मुझसे मुझसे क्या खेला किया पनौड़ी भाई, 25 सेकंड। चलो ठीक है भाई, भाई मोहित चौधरी तू कल लैब में जाके लाइव पे आ जाना, ठीक है? अब कल ही खुलासा होगा भाई। तो जय बोले की बाबा, खुलासा जय बोले। नमस्ते बाबा, नमस्ते पनौड़ी भैया, नमस्ते नमस्ते भैया। एचआईवी का खुलासा कर